सो गाइस, कल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया कि आप लोगों को MIUI 13 का अपडेट मिलने वाला है। आप लोगों को क्लियरली ये नहीं बता पाया कि आप लोगों को किन किन डिवाइस पर मिलेगा MIUI 13 विद Android 12। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बात करने वाला हूँ और आप लोगों को सभी चीज दिखाने वाला हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? हालांकि मैंने उस वीडियो पर लास्ट पर स्क्रीनशॉट शो कर दिया था, बट वहां पर आप लोगों को A few moments later. जो भी अपडेट है कब आएंगे उसके बारे में मैंने ही बताया था, उसके बारे में भी बताऊंगा और आप लोगों को किन किन फोन्स पर आएगा इसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो यहाँ मैं आप लोगों को सिंपली बिना बोर किए हुए यहाँ पर ले चलता हूँ आप लोग। तो यहाँ पर आप लोगों को पोको के M2 Pro सीरीज से नीचे किसी फोन पर भी नहीं मिलेगा, जैसे कि पोको F1। यहाँ पर आप लोगों को MIUI 12.5 का अपडेट मिला ही होगा, लेकिन अब नहीं मिलेगा MIUI 13 का अपडेट पोको M2 Pro और पोको M2 पर भी नहीं मिलेगा शायद है, या यूँ कहूँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ उन पर, क्योंकि वो थोड़े पुराने हो गए हैं फ़ोन। तो आप लोगों को बता दूँ पोको X2 है, X2 Pro है, इन पर भी आप लोगों को अपडेट नहीं मिलेगा। तो उसके बाद ले चलता हूँ आप लोगों से नोट सीरीज पर। तो नोट सीरीज पर आप लोगों को लगभग 8 सीरीज से नीचे किसी भी फ़ोन पर नहीं मिलने वाला है MIUI 13 विद Android 12। जितना भी 8 सीरीज के नीचे जितना भी स्मार्टफोन है उस पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो अब मी सीरीज के बारे में बता देता हूँ। तो मी सीरीज में आप लोगों को सभी मी सीरीज पर मिलेगा, मतलब मी मिक्स अल्फा। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे मी मिक्स अल्फा चाइना में लॉन्च हुआ है, जिस पर आप कॉस आएगा ही, क्योंकि वो बड़ा फ्लैगशिप फ़ोन है, उस पर आएगा ही। एंड्रॉयड 12 के साथ MIUI 13 जो भी अपडेट आएगा वो ओनली 11 मी 11 सीरीज और 10 सीरीज पर ही आएगा, दो सीरीज पर ही आएगा। यहाँ पर आप लोगों को 9 सीरीज पर नहीं मिल पाएगा, और जो भी जो कि आउटडेटेड हो गया है A3 पर भी नहीं आ पाएगा A सीरीज पर। और आप लोगों को बता देता हूँ इस पर आप लोगों को कुछ स्पेशल फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि आप लोगों को वर्चुअल रैम मिलेगा, जिस पर हम लोग अपने इंटरनल स्टोरेज को अपने रैम की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों सिंपली मैं आप लोग जो अच्छा अच्छा अपडेट है उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को फॉन्ट दिया जाएगा, साउंड इफेक्ट दिया जाएगा, जो आप लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर खोलते हो, यहाँ पर आप लोग स्लाइड करके खोलते हो, टैप करते हो, उसके लिए आप लोगों को नया साउंड इफेक्ट दिया जाएगा। और आप लोगों को यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अभी भी मिलता ही है और अच्छा इम्प्रूव किया जाएगा। सो यही खास फीचर थे। और आप लोगों को बता दूँ ये लगभग जनवरी तक बीटा टेस्टिंग पर आ जाएगा, बड़े बड़े फ्लैगशिप फ़ोन पर आ जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग मेरे से लास्ट वाले वीडियो को देख लेना, जिस पर मैं आप लोगों को बताया हूँ कि आप लोग बीटा टेस्ट कैसे कर सकते हो किसी भी फ़ोन पर। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, सब चीज़ बता दिया आप लोगों को। लगभग अगर बताऊँ तो रेगुलर अपडेट आप लोगों को लगभग मार्च से अप्रैल तक मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल है, जो भी फ्लैगशिप डिवाइस हैं उन पर पॉसिबल है, और छोटे डिवाइस हैं उन पर लगभग 2023 लग जाएगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाना। सो मिलते हैं किसी और एक क्यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स टाटा बाय बाय।